गाइस वेलकम टू IWM बस, मैं हूँ श्वेता गुप्ता और हम अब पहुँच गए हैं बिग बॉस के रोम सिटी में, यूरोपियन सिटी में, जो कि काफ़ी ही शानदार है। इंडिया में बैठे बैठे यानी कि मुंबई में बैठे बैठे आपको यूरोपियन फील आएगा। तो इस बार बिग बॉस थीम ही है यूरोप बेस्ड। इस बार तीन अलग रूम बनाए गए हैं, दिल दिमाग और दम। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको बिग बॉस का घर। बढ़ते हैं घर की दूसरी ओर, तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं घर का हर एक कोना, जो कि काफ़ी अच्छी तरह ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है, रोमन स्टाइल रखा है। आप देख सकते हैं कि फुल ब्रिक स्टाइल यूज़ किया गया है, रोमन फील रखा है, स्ट्रीट लैंप यूज़ किया है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के काफ़ी ही फेमस होते हैं, विंटेज लुक रखा है। हम आप आ गए हैं दिमाग वाले रूम में, जहाँ इस बार ये वाला जो रूम है डिज़ाइन किया है उस कंटेस्टेंट के लिए जो दिमाग से खेलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये रूम काफ़ी ही बड़ा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेस्टेंट्स रहने वाले हैं। जो आप देख सकते हैं कि चेस के सब कई सारे सिग्नेचर्स हैं, जिससे पता लगता है कि ये दिमाग वाले लोगों के लिए है, जो अपना दिमाग लगा कर खेलेंगे गेम में और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सिंगल बेड्स हैं और वहाँ वही साइड आपके अपोजिट वहाँ पे डबल बेड्स आपको देखने को मिलेंगे। इतने ही नहीं, हर एक चीज़ को यूरोपियन स्टाइल दिया हुआ है। तो अब हम आ गया है ये लाइब्रेरी आर्काइवल रूम है, जो कि ये काफ़ी ही स्पेशल है और पहली बार बिग बॉस 17 में देखने को मिलेगा, बिग बॉस हिंदी के शो में देखने को मिलेगा। अभी तक ऐसे भी कोई भी स्पेशल रूम्स नहीं बनाए गए हैं, जहां ये लाइब्रेरी रूम में आपको कई सारे आपके आर्काइवल वीडियोस देख सकते हो जो कि आपने ये सीजन में किया है। और इतना ही नहीं, आपको इस बार कई सारे बायसनेस भी देखने को मिलेगा बिग बॉस की तरफ से। वेल, ये रूम से निकलते ही आपको मिलेगा एक फुल रोमन स्ट्रीट लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम रोमन में ही घूम रहे हैं, ऐसा वाइब रखा है, फुल यूरोपियन स्टाइल है। और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि इस बार किचन फुल्ली ओपन कैफे किचन है। खाना बनाते बनाते देख सकते हैं कि कौन सा कंटेस्टेंट क्या कर रहा है और पूरी नज़र रख सकते हैं ये यूरोपियन स्टाइल घर में, जो कि बिग बॉस स्टाइल का घर है। तो चलिए आइए दिखाते हैं ये रोमन स्टाइल कैफे किचन। इस बार बड़ा है, काफ़ी वुडन स्टाइल रखा गया है, रोमन है, यूरोपियन स्टाइल है, कई सारे स्टोरेज है जो कि ब्रेड और बटर के लिए, देखो आप देख ही सकते हैं कितने सारे हैं सामान। टू सिंक है एज एवरी टाइम रोमन स्टाइल में, इंडियन स्टाइल भी देखने को मिलेगा, इंडियन तड़का तो है ही। अब देखना ये है कि अब ये लोग कितना यूज़ करेंगे। वेल, आपने तो किचन का चिमनी देख लिया, सिंक देख लिया, ओवन देख लिया, पर फ्रिज की तरह एनी गैसेस वेल इज़ अ फ्रिज। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं, इस बार का फ्रिज भी रोमन स्टाइल में है, जो कि काफ़ी अलग है। अब बढ़ते हैं लव रूम की और, जो कि ये साल का काफ़ी ही स्पेशल है, क्योंकि इस बार कई सारे कपल्स आ रहे हैं और कपल्स के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज भी दिया है। और साथ ही साथ ये लव रूम में एक और स्पेशल थिंग है, तो चलिए आइए दिखाते हैं वो क्या है। तो लव रूम में घुसते ही आपको मैं एक सबसे पहले सीक्रेट दिखाती हूँ। तो ये है सबसे बड़ा सीक्रेट, बिग बॉस जाना जाता है उसके झगड़े, उसके मैस, उसके कयास में, पर इन सब के बीच में ये रूम है पीस रूम, फुल्ली वाइट है, शांति भरा रूम है, पूरे कयास में यहाँ पे आपको शांति मिलेगी। ये मिरर नहीं है, ये मिरर के पीछे यहाँ पे कैमरा है जो कि कवर करेगा, इस टीवी के ज़रिए बताया जाएगा कि उन्हें कैसे अपने आप को मेडिटेट करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप हमें बताइए कि आपको ये रूम कैसा लगा। तो अब बढ़ते हैं लव रूम का इंटरनल साइड में और आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये लव रूम। चलिए आइए दिखाते हैं ये लव रूम, जहाँ फुल ऑफ डिलाइटफुल है, फ्लावर्स है और पीस है, सोफेस है, बैठने की कोई कमी नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वहाँ पे, देखो बाथरूम है जो कि फुल्ली ओपन है, इट्स लाइक वाओ, इट्स अ फुल्ली हाई हेरिटेज रूम। वेल, यहाँ पे कपल्स आने वाले हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ डबल बेड्स देखने को मिलेंगे और सिर्फ यहाँ पे तीन बेड्स हैं, तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितने सारे कपल्स आएंगे। तो चलो दिखाते हैं आपको ये खास रूम। वेल, ये वॉशरूम काफ़ी ही रॉयल है, काफ़ी ही क्लासी है, जहाँ आप वॉशरूम के साथ साथ बेडरूम का नज़ारा भी देखने को मिलेगा, कौन क्या कर रहा है आप आँखें रख सकते हो, फुल पिंकिश है, बिकॉज ये रूम भी तो लव वर्ड्स का है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कॉर्नर ऑफ बिग बॉस हाउस में और डिस्कवर करते हैं क्या है नया इस बार। अब बढ़ते हैं सिटिंग एरिया की ओर, जहाँ कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा रणनीति बनाते हैं, बैठ के टाइम स्पेंड करते हैं, कोई अकेला इंसान भी आके यहाँ पे बैठता है और सोचता रहता है, और इसको फुल्ली
ग्रीक स्टाइल रखा गया है, फुल ऑफ रॉक्स रखा है, ब्रिक्स यूज किया गया है एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज दिस फ्रेम। एंड यू कैन इमेजिन अभी से ही कि यहाँ पे कितने सारे गॉसिप होंगे, कितने सारे रणनीति बनाई जाएंगी, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स होगी और सब कैप्चर होगा सामने इस मिरर के। वेल ये है एंड ऑफ दिस पैसेज, शो में पता चलेगा यहाँ से कोई आने वाला है या एग्जिट लेने वाला है। और यहाँ पे हर कई सारे घड़ियाँ हैं, घड़ियाँ तो अलाउ नहीं होती है पर ये ऐसी घड़ियाँ हैं जो बिना सुई के हैं, बिना कांटे के हैं। और कैसे आप ये वॉच को यूज़ करोगे वो आपके पर डिपेंड करता है, नज़रें तो हमेशा पड़ेगी लेकिन कुछ टाइम नहीं पता चलने वाला है। अब बढ़ते हैं दम वाले रूम में, तो आइए दिखाते हैं ये कितना अलग है रूम। वेल इट्स ये रूम फुल ऑफ ब्लैक है, अपने दम पे खेलना है तो अकेले ही सब कुछ सामना करना पड़ेगा, कोई भी आपके पास एडवांटेजेस नहीं है। तो रूम में आते ही खूबसूरत रोम बिल्डिंग है, यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग है और ये यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग में एक छोटू सा टेलीफोन है जो कि काम तो नहीं करता लेकिन यू नेवर नो कब बिग बॉस से कॉल आ जाए और क्या संदेशा हो, वो भी काफ़ी ही मायने रखता है। क्या वो एग्जिट होगा या एंट्री होगा वो सब आपको आने वाले समय पर पता चलेगा। तो अब बढ़ते हैं रूम की ओर, जो कि यहाँ पे कई सारे डबल बेड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 3 डबल बेड्स है तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो यहाँ पे कितने सारे कंटेस्टेंट्स रहने वाले हैं और ये काफ़ी ही डार्क है। यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे टेंस माहौल होते हैं और इसमें ऐसे भी ये डार्क रूम होना काफ़ी अलग बात है। वेल अब इस रूम से बढ़ते हैं एक स्पेशल जगह की ओर। इस रूम को मिला है एक स्पेशल प्लेस जो कि है स्मॉल कैफ़े वी कैन से, जो कि आप सभी पे नज़र रख सकते हो और देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। जिम एरिया आपको सामने देखने को मिलेगा, तो अब बढ़ते हैं जिम की ओर। हमारे पास समय कम है, जैसे कि आप सभी जानते हो कि बिग बॉस में हमेशा हर एक चीज़ की कमी है तो हमारे पास समय कम, तो चलिए आइए आते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं रोम सिटी के बाहर क्या है, यूरोप सिटी के बाहर क्या है, मतलब गार्डन एरिया की ओर जो कि सबसे बड़ा एरिया है ये घर का और इस बार काफ़ी अलग से स्टाइल किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं गार्डन एरिया। वेल ये है गार्डन एरिया बिग बॉस का, यहाँ पे आपको कई सारे सोफ़ाज देखने को मिलेंगे जो कि सिटिंग एरियाज हैं। मॉर्निंग में आप उठकर यहाँ पे कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा बैठते हुए नजर आएंगे और साथ साथ यहाँ पे जिम भी है, मिनी जिम, जो कि कंटेस्टेंट अपना मॉर्निंग टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। आपको यहाँ पे कई सारे जिम्स इक्विपमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी मिनी जिम है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, कंटेस्टेंट जिम करके ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सबसे बेस्ट टाइम बॉयज जिम में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखते हैं कि इस बार गर्ल्स भी कितना टक्कर देने वाली है सभी को, सभी देखेंगे कि ये काफ़ी ही कोजी जिम है जहाँ ट्रेडमिल है, वेट लिफ्टिंग है, कितना चाहो उतने सारे डंबल्स हैवी लिफ्टिंग कर लो, यहाँ पे भी आपको वेट लिफ्टिंग देखने को मिलेगा, रनिंग साइकिल देखने को मिलेगा। वेल आपने तो जिम एरिया तो देख लिया और वहीं जिम के साथ साथ आपको व्यू मिलेगा पूल का, सो इस बार का पूल काफ़ी अलग से डेकोरेट किया गया है आई शेप में और काफ़ी सारे ऊपर कई सारे आई स्टाइल है, जो कि एक बालकनी वहाँ पे जो था जो कि लास्ट टाइम था वो इस बार उन लोगों ने निकाल के फुल्ली आई स्टाइल रखा गया है। पूल में कितने सारे मस्ती करेंगे कंटेस्टेंट वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैठने को भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात बताओ हर एक कंटेस्टेंट किधर जाता है ब्रेक लेने के लिए, वेल वो ये रूम में है और ये रूम है स्मोकिंग एरिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मोकिंग एरिया बनाया गया हुआ है जो कि आपको काफ़ी यूनिक वे से आना पड़ेगा यहाँ पे। वेल दिस इज़ द प्लेस वेल कंटेस्टेंट अपना टाइम स्पेंड करते हैं, स्मोक करते हुए नज़र आते हैं या वो अपने आप को कह सकते हैं कि अलग वे से रिलैक्स और मेडिटेट करते हैं। पहला बढ़ते हैं बिग बॉस के वॉशरूम की ओर, जो कि कॉमन वॉशरूम है सभी के लिए बनाया गया है, सो लेट्स गो इनसाइड। ये था बिग बॉस 17 का घर, द मैजिस्ट्री हाउस बिग बॉस का घर है, बिग बॉस ने इस बार रोम और यूरोपियन स्टाइल मिक्सचर करके बनाया गया है। अब देखना ये है कि कंटेस्टेंट ये घर को ब्यूटीफुल रखते हैं या मैस करके रखते हैं, अब तो ये उनके हवाले है, तो लेट्स गो एंड रॉक एंड रोल। सो ये था बिग बॉस का घर और आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। मैं हूँ श्वेता गुप्ता और कैमरा मैन जानशु के साथ।